कौन है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब सिर पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम से उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। समाजवादी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, बसपा और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत दिखाने में पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम बात करें तिरंगा यात्रा का, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो अपनी ताकत को या अपनी जमीनी जो एक राजनीतिक जो जगह होती है वो पांव जमाने में पूरी ताकत लगाई। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिनको पूरा प्रभार प्रयागराज के चुनाव को कोऑर्डिनेट करने के लिए लगा है, और आज हम उनसे खास बातचीत करते हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि इनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों अब किस मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रयागराज में किस रणनीति के साथ ये चुनाव जीतेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका उत्तर प्रदेश में। और प्रयागराज में 12 विधानसभा है और 12 विधानसभा में पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुट गई है। सबसे पहले जी अगर देखा जाए तो गलियों में सबसे पहले आम आदमी पार्टी दिख रही है, क्या देख रहे हैं आप? गलियों में जिस हिसाब से हमारी पार्टी निकल रही है, जो जनता का जो प्यार है, जो समर्थन है, मतलब एक तरीके से जनता इंतजार में बैठी थी कब दिल्ली से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ आए और उनको एक मजबूत विकल्प, क्योंकि पार्टी ने जिस हिसाब से दिल्ली में काम किया है, दिल्ली की जो मॉडल के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में उतरी है, तो हमने जनता की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दिल्ली मॉडल को अपनाया। तो जनता ने, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, ये भी चाहती है कि दिल्ली मॉडल को हम अपनाएं, अपने में लागू करें, तो इसलिए जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और शायद 2022 में कुछ चमत्कार आपको देख सकता है। अच्छा, प्रयागराज की गलियों में आम आदमी पार्टी आप भी जा रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, लगभग 3 विधानसभा सीटों पर और 3 विधानसभाओं में, तो क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके, किस तरह से जनता से आप? देखिए, दिल्ली में जिस हिसाब से पार्टी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका सुरक्षा पे काम किया, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। अब खुद देख लीजिए, दूसरी पार्टी भी ये मुद्दे अपने आप को अपना रहे, लोगों को ये बिजली मुक्त और बिजली इतने यूनिट पर छूट दे के आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी कि किसका काम बिजली मुक्त देना है और किसका सिर्फ जुम्मेबाजी करना है। नहीं, मुख्य मुद्दे से जो बिजली तो माफ करेंगे और लगभग समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है और भाजपा भी कहीं कहीं बिजली माफी को लेकर वो आगे आ रही है, और क्या होगा, आम आदमी पार्टी कैसे अलग रहेगी, कैसे लोगों के बीच में जाएगी, कैसे यहाँ पे एक आम आदमी पार्टी की जो छाप है वो कैसे छोड़ेगी, क्या है मुख्य रणनीति? दिल्ली में जिस हिसाब से पार्टी ने बिजली के साथ साथ स्वास्थ्य पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज, तो उत्तर प्रदेश में भी मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज, शिक्षा मुफ्त, एक कहते हैं स्कूलों में जाते हुए जैसे बच्चों को उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शर्म आती है, कहीं ईंटों पे बैठ के पढ़ाया जाता है, और आज हमने एक लखीमपुर या आगे का कहीं का केस सुबह देखा, अपनी जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, कि दूसरी कक्षा के बच्चे को प्रिंसिपल ने उल्टा लटका दिया ऐसा सजा के रूप में, आज ही वायरल हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से ये चल रहा है, एक तो शिक्षक ही यहाँ पढ़े लिखे नहीं, मैंने भी आजमाया है कि शिक्षक ही ढंग से, अगर शिक्षकों का इंटरव्यू लेने जाया जाए तो शिक्षक खुद नहीं पढ़े तो बच्चों को क्या शिक्षा मिले। हमारा शिक्षा युवाओं को, जिस हिसाब से युवाओं को सिर्फ भटकाया जा रहा है, उनको रोजगार के नाम पे एक लॉलीपॉप देती है उत्तर प्रदेश सरकार। और दिल्ली में तो मैं जिस हिसाब से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने होर्डिंग तक देख ली है कि कितने लाख युवाओं को योगी सरकार ने रोजगार दिया है, पर मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं वहाँ का जल भरा होता है तो शायद ही कोई बड़ी दुर्घटना वो है जो ना हो। राहुल जी, बहुत सारे छोटे दल गठबंधन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियाँ जो हैं, आम आदमी पार्टी क्या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? सुनने में बीच में आया था कि समाजवादी पार्टी से उनकी गठबंधन होने वाली है, लेकिन बात नहीं बन पाई, क्या कारण है? देखिए, गठबंधन तो भी आम आदमी पार्टी शुरू से करी, किसी से करी नहीं है, कांग्रेस ने पिछली बार करी थी जब शुरुआती, इसमें तो बाकी नेताओं द्वारा सरकार गिरा दी गई, तो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से अलग है, हर तरीके से अलग। प्रदेश में आम आदमी पार्टी टोटल कितने विधानसभा में कितने सीट से चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे बिना किसी समर्थन। प्रयागराज के 12 विधानसभा में कितने विधानसभा में टिकट फाइनल कर दिए गए?
अभी जी की हमारी पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं करती, हमारी पार्टी प्रभारी घोषित करती है। तो फिलहाल 12 में से 3 उत्तरी भाजपा के लगभग 5 साल पूरे हैं सरकार के कार्यकाल का, और लगातार आप चुनाव प्रचार में कई जिले का भ्रमण कर रहे हैं, प्रयागराज में भी लगभग 1 हफ्ते से है, तो क्या लगता है भाजपा ने कुछ काम किया कि बस? भाजपा ने देखिए संसद में जो पेश किया उसमें इतना काम दिखाया, ये सब कागजी तौर पर काम दिखाया गया। आपको जैसे अभी मैंने सड़क का एग्जांपल दिया, आपने देखा है कि देश का नंबर 1 एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुछ समय की बारिश में उसके 10 किलोमीटर के अंदर कई हज़ार गड्ढे पड़ गए। तो इस तरीके का वो विकास कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने नेताओं का विकास कर रहे हैं। बाबा सरकार कंप्लीट फेल हो चुकी है इस टाइम, बाबा सरकार अपने आप को इनसिक्योर भी मानने लग गई, मतलब असुरक्षित सरकार वही है, तो उसको पता है कि अब जनता के आगे उसकी दाल नहीं चलने वाली है। क्या लगता है 2022 में आम आदमी पार्टी यूपी में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ने वाली है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ने वाली है, क्योंकि देखिए बसपा को मौका दे चुकी है, समाजवादी को मौका दे चुकी है, भाजपा पे भी जनता भरोसा कर चुकी है, तो विकल्प में उनके पास एक आम आदमी पार्टी ही है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो हमारे लिए है तो उसको खुद पता चलेगा कि जमीनी मॉडल है। मतलब 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, क्या दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उसी मॉडल पर काम होगा? बिल्कुल, और दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश थी, तो दिल्ली में तो केंद्र का आधा ज़्यादा अधिकार है, और उत्तर प्रदेश तो हमारा एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो मैं खुद कहता हूँ कि हो सकता है दिल्ली से ज़्यादा काम यहाँ हो, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिल्ली से यहाँ दी जाए, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा होने पर सरकार अपने मन से काम कर सकती है। बहुत बहुत देखिए हमारे साथ ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राहुल पांडे जी थे, जिन्होंने हमसे बातचीत किया और उन्होंने बताया कि प्रयागराज के जो 12 विधानसभा में चुनाव कोऑर्डिनेटर हैं और प्रभारी रूप में जो दिल्ली में आए, उन्होंने बताया कि जनता का मूड इस बार पूरी तरीके से बदला है और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।